सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 25 मई को शनि जयंती है, इसी मौके पर हम आपको शनि देव के सबसे खास तीर्थ स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास बने शनिदेव मंदिर का विशेष महत्व है। यह देश के सबसे प्राचीनतम शनि मंदिरों में से एक माना जाता है। शनिदेव के यहाँ विराजित होने के कारण इस जगह को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। भगवान हनुमान ने यहाँ भेजा था शनिदेव को। प्राचीन कथा के अनुसार रावण ने शनिदेव को भी कैद कर रखा था। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुँचे तब उन्होंने वहाँ पर शनिदेव को रावण की कैद में देखा। भगवान हनुमान को देख शनिदेव ने उनसे यहाँ से आजाद करने की विनती की। शनिदेव के कहने पर भगवान हनुमान ने उन्हें लंका से कहीं दूर फेंक दिया ताकि शनिदेव किसी सुरक्षित जगह पर जा सके। हनुमान जी के द्वारा लंका से फेंके जाने पर शनिदेव इस क्षेत्र में आकर प्रतिष्ठित हो गए और तब से ये क्षेत्र शनि क्षेत्र के नाम से विख्यात हो गया। आज भी मौजूद है शनिदेव के गिरने का निशान। जब शनिदेव यहाँ आकर गिरे तो उल्का पात सा हुआ। शिला के रूप में वहाँ शनिदेव के प्रतिष्ठित होने से एक बड़ा गड्ढा बन गया, जैसा कि उल्का गिरने से होता है। ये गड्ढा आज भी मौजूद है। तेल चढ़ाने के बाद गले मिलने की परंपरा, यहाँ शनिदेव को तेल चढ़ाने के बाद उनसे गले मिलने की परंपरा प्रचलित है। जो भी यहाँ आता है वह शनिदेव को तेल चढ़ाने के बाद बड़े प्यार से शनि महाराज से गले मिलता है और अपनी तकलीफें उनसे बांटता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से शनिदेव उस व्यक्ति की सारी तकलीफें दूर कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।